हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वहीं से वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया जहाँ से मैंने ख़त्म की थी इसके पहले, जो मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उसी दिन की ये वीडियो है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी यहाँ बनाने के लिए, तो कुछ दो चार बने थे मेरे ये लड्डू, तो बाकी नहीं बन पाए थे तो मैंने ढक के रख दिया था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो ये खिचड़ी वाली के दिन का है वीडियो, तो हैप्पी खिचड़ी। और ये देखिए मेरे पैरों में महावर मैंने लगाया हुआ है कुछ लीप पोत के, और मैं हर फेस्टिवल में ही पैर ज़रूर अपने रंग लेती हूँ, और थोड़ा सा फैल गया है मेरा रंग कलर, तो वही मैं दिखा रही थी। और मम्मी मेरी कहती हैं कि पैर ज़रूर रंगना चाहिए, तो मैं हमेशा से यही करती हूँ, किसी भी फेस्टिवल में पैर रंग लेती हूँ, साड़ी पहन लेती हूँ। आज साड़ी मैंने नहीं पहना क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो अवॉइड कर गई। और यहाँ पे मिर्ची खा रही है वो खिचड़ी और दही रायता और पापड़। तो और ये है फ्लावर मैं दिखा रही थी, ये फ्लावर बहुत टाइम पहले का ही मैंने यहाँ पे रखा हुआ था और आज भी ये बिल्कुल तरोताज़ा जैसे हैं पानी में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उसको देख के। और उसके बाद से मैं खाने लगी। और हम लोग के यहाँ पे खिचड़ी दिन में ही खाई जाती है, हम लोग के परंपरा के अनुसार जैसे यूपी वाले दिन में ही खाते हैं, तो यहाँ पे सुबह ही खिचड़ी बनती है। तो 11:30 के अराउंड हो रहा होगा, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है उसी समय से, और हस्बैंड हमारे खा चुके हैं तो उनकी वीडियो हम लोग चुपके से ही ले पाते हैं, ऐसे तो उनको पता नहीं क्या हो जाता, वो हटा देते हैं, तो फिर मैं नहीं ले पाई। तो कैसे हैं आप सब बताइएगा। और ये शाम की वीडियो है, उसके बाद से शाम को ये हुआ कि थोड़ी जैसे 11:30 के अराउंड हम लोग खाए थे खाना, तो शाम को भूख लग रही थी, तो फिर सिस्टी वो बनाई पकौड़ी, यहाँ केले की, अरे सॉरी आलू की और बैंगन की पकौड़ी बनाई थी, तो काफ़ी टेस्टी। और धीरे थोड़ा थोड़ा बना रही थी, वो पहली बार ही उसने बनाया था और थोड़ा थोड़ा दे रही थी, और हस्बैंड कह रहे थे बस इतना ही, तो वो थोड़ा थोड़ा बारी बारी से ला रही थी, दो चार जैसे उससे हो पा रहा था, और काफ़ी क्रिस्पी और टेस्टी बनाया था उसने ये मम्मी जी को अपनी पकौड़ी। तो इसमें दो दिन की वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हूँ। तो आज है 16 जनवरी और खिचड़ी कल था, तो अभी हम लोग नहा आ चुके हैं और धूप निकल आई है, धूप तो आज मॉर्निंग में ही निकल आया था, और ये ताकि अभी दो दिन और छुट्टियाँ रहेंगी स्कूल की। तो ये है सृष्टि, और इसको तो मौज हो गया कि दो दिन छुट्टियां रहेंगी, और कपड़े वपड़े सारे हम लोग धुल चुके हैं, हाँ, और सिर्फ मैं अभी तो डेली के कपड़े भी धुल चुके हैं और नाश्ता भी हो चुका है, मिस्टी और सिस्टी नाश्ता कर चुकी हैं। रात में हम लोग बाहर से मंगाए थे सब्ज़ी, तो वो और रोटी, और मैं अभी नहीं खाई हूँ, मैं अभी सिर्फ चाय पी हूँ। और एला बेला भी, उसका नाम एला और एमा है, मैं तो भूल ही जाती हूँ। और यहाँ पे पढ़ने के लिए आ चुकी हैं मिस्ट्री और सिस्टी, क्योंकि इन लोग के होमवर्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे छुट्टियाँ रहती हैं तो ऑनलाइन होमवर्क आ जाते हैं स्कूल से, तो वो तो करना ही रहता है। और मैं अभी नीचे वो बना के आई हूँ रामदानी के लड्डू, और कल नहीं परसों मैंने बनाया था, तो थोड़ा ही बनाया था, तो वो अच्छे से हो नहीं पाया था, फिर बाकी जो बचा था वो आज मैंने कंप्लीट किया है। तो मैं नीचे चल रिकॉर्ड नहीं कर पाई, नीचे चल के दिखाती हूँ मैं आपको। और थोड़ा सा बच गया है तो उसको फिर से वो पाक वो करना पड़ेगा गुड़ का, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए हमने छोड़ दिया है। मैंने कहा थोड़ा सा धूप लेके आती हूँ ऊपर से, उसके बाद से फिर नीचे वर्क अपना कंप्लीट करती हूँ। और हस्बैंड जा चुके हैं अपने काम पर रोटी सब्जी खा के, और अभी चावल और सब्जी बनानी है, तो देखती हूँ मैं कब डालती हूँ, जब भूख लगेगा तब बन जाएगा। वैसे भी थोड़ा सा धूप थोड़ा तेज है, और धूप ले लेती हूँ, उसके बाद से नीचे जाने के बाद से जैसे धूप तेज लगेगा उसके बाद से मैं नीचे चली जाऊँगी और नीचे वाला काम कंप्लीट कर लूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो चलिए मिलते हैं।
उसके बाद से मैं नीचे आ गई, थोड़ी धूप तेज़ लग रही थी तो यहाँ सब्ज़ी मैं बना चुकी थी। सब्ज़ी बनाने के पहले मैंने सारे डिब्बे धुले हैं यहाँ पे, जो किचन के डिब्बे थे जो खाली हो गए थे, जो मैंने मसालेदानी एक मंगाई थी उसमें सिप मैंने कर दिया था, तो वो जो है खाली हो गए थे सारे डिब्बे। और यहाँ मेरे ये लड्डू बन चुके हैं, सुबह ही मैंने लड्डू बनाया था। लड्डू बनाने के बाद से फिर मैं रोटियाँ बनाई और बच्चों को दिए, और उसके बाद छत पे चली गई थी। और ये सुबह की सब्ज़ी जो हस्बैंड ने बनाई थी, और उसके बाद से फिर मैं नीचे आके ये सारा काम करने लग गई थी। रोटी सब्जी सब लोग का हो चुका है, मेरा भी कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने दो बारी चाय पिया है। तो अभी जो है लहसुन यहाँ बचा हुआ था, थोड़े से लहसुन बचे हुए थे जो मैंने सब्ज़ी में डाले थे, थोड़े से बचे हुए थे, तो यहाँ पे रह के मैंने कहा लहसुन छीलते लहसुन भी छील लूँगी, और जो है चावल भी देख लूँगी और सब्ज़ी भी, क्योंकि चावल जब वो होने लगता है, जैसे उबाल आने लगता है तो उसको सिम करना पड़ता है, और फिर अगर मैं बाहर चली जाती तो फिर भूल जाती। एक बार ऐसे ही हुआ था, कोई डिलीवरी वाला आया था और मैंने चढ़ा दिया था यहाँ पे, और मेरे ध्यान से उतर गया। फिर मैं नीचे चली गई और डिलीवरी लेने के लिए सामान की, और उसके बाद से वो फिर वो का चेंज नहीं है, फिर चेंज लेने चला गया तो काफ़ी टाइम लग गया। इधर जब मैं आई तो पूरा मेरा चावल जल चुका था, और बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होने पड़ता है। और चूंकि पैन में चावल बनाने की वजह से खड़े रहना ज़रूरी होता है, तो वही मैं कर रही थी। और मन कर लगे ये लहसुन भी छील लूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से हो रहा था कि लिट्टी चोखा बने तो खाया जा, और देखती हूँ कब मैं बना पाती हूँ लिट्टी चोखा। तो छील देने से थोड़ा सा शाम की सब्ज़ी में भी हो जाता है, अगर लिट्टी चोखा बननी होगी तो उसमें भी यूज़ आ जाएगा। तो और यहाँ पे जो है चावल मेरी सब्ज़ी लगभग हो चुकी है, और चावल होने ही वाला है, चावल हो जाएगा। उसके बाद से फिर मैं सारे बर्तन वर्तन वॉश कर लूँगी जो बचे हैं थोड़े बहुत, उसके बाद से फिर मैं खाना खाऊँगी। और भूख भी नहीं लग रही है अभी, क्योंकि मंचूरियन रात का जो बचा हुआ था थोड़ा सा, तो वो मैंने खाया हुआ था अभी बच्चों जब छत पर से मैं नीचे आई तब। और मेरे वीडियो में जो पहली बार हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज मैंने येलो सूट पहना हुआ है, और ये है मिस्टी का सूट है, चूँकि वो पहनती नहीं है, और तो मैं सोच रही थी कि जब कहीं बाहर जाना नहीं होता है तो रुको मैं घर में ही पहन लेती हूँ इसे। तो आज मैंने येलो सूट काफ़ी टाइम के बाद मैंने पहना हुआ है, और ये स्टोल जैसे कि मैंने बताया कि ये मैं जम्बूलित से लेके आई थी, काफ़ी अच्छा है ये। और मेरी सब्ज़ी तकरीबन हो चुका है, तो मैंने सब्ज़ी को ऑफ़ कर दिया है, और उसके बाद से फिर बाकी चीज़ें मैं क्लीन करती जाऊँगी। साथ ही क्लीन कर लो तो सही रहता है, फिर दिमाग में टेंशन भी रहता है, और मिस्टी को ये रहता है कि नहीं क्लीन कर दो, तो वो फिर किसी भी टाइम मिस्टी भी कर लेती है, उनके फादर भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो किचन का काम ख़त्म हो चुका है, अब मैं बाहर आ चुकी हूँ। और ये मूँगफली मैंने कल रखा हुआ था दिन में सूखने के लिए, अभी एक बार ये और धूप लगा दूँगी। ये सारे डिब्बे हैं जो मैंने धुल दिए हैं, छोटे छोटे जो डिब्बे हैं, तो ये सूख जाएंगे। हाँ, सीढ़ियों पर ही मैंने रखा हुआ है। तो और ये है मेरे वो हैं, बीच में थोड़ा सा टाइम मिला तो इसे मैंने पोंछ दिया वाइप्स की हेल्प से, तो वाइप जैसे खाली पड़ा हुआ था ऐसे यू स्किन पोंछ के लोग रख देती हैं, तो उसको मैंने भिगो के वापस से मैंने क्लीन कर दिया। नीचे की दो पत्तियां ख़राब हो चुकी है, हटा दूंगी इसे मैं। दिन के 1 बज रहे हैं और तकरीबन मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ एक बार और ये मूँगफली को धूप में डाल देती हूँ, बिकॉज बहुत अच्छे तरीके से धूप लग जाएगा। और कपड़े बहुत सारे हैं फोल्ड करने हैं, तो अभी मैं फोल्ड करूँगी उसको। और समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।